क्रिएटिविटी का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज जहां पे हम एक इंग्रेडिएंट को लेके हमने हमारे फेसबुक ग्रुप में मॉम से रिक्वेस्ट करी कि वो कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और हमने उसी के दौरान सूजी को सेलेक्ट करा और सूजी की रेसिपीज हम लेके आ रहे हैं हमारी मॉम्स की रिक्वेस्ट पे जिन्होंने फेसबुक ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया में हमें रिक्वेस्ट करी थी। आप सभी का स्वागत है। वी आर हेयर विद द लवली मॉम श्वेता शेठ के साथ। So, सूजी दही वड़ा की रिक्वेस्ट करी है चित्रलेखा सेंगल जी और शिव रानी गुप्ता जी ने। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम सूजी के दही वड़े दिखाएं। ये हमारे फेसबुक ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया में करी गई थी, तो आज हम आपको वही दिखा रहे हैं। तो स्टार्ट करें श्वेता। यस। सो यहाँ मैंने द मेन इंग्रेडिएंट जो सूजी है वो लिया है। उसको 2 बड़े स्पून में सूजी लूंगी, या आप कोई भी सूजी ले सकते हो। मैंने नॉर्मल सूजी ली है, उसमें हम 2 स्पून जितना कर्ड डालेंगे, 2 3 स्पून, और हम पहले उसको मिक्स कर देंगे। उसको और थोड़ा सा दही डालेंगे, 4 स्पून, और पिंच ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बड़े के लिए। हमें पहले मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जस्ट बैटर जितनी कंसिस्टेंसी के लिए। अगर आपको भी हमसे कोई रेसिपी आप चाहते हैं हम जायका का तड़का पे दिखाएं, तो हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया को जरूर ज्वाइन करिएगा और वहां आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहां थोड़ा जिंजर ग्रेट करके, अदरक ग्रेट करके रखा है, वो भी डालेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। सो उससे क्या टेस्ट अच्छा आएगा। और वापस एक बार पूरा मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये बैटर थोड़ा थिक है तो ऑलमोस्ट जस्ट छोटा सा 1 स्पून और कर्ड डाल देंगे। ये हमने घर का जमा हुआ दही लिया है यहाँ पे, ये देखिए। अभी हम इसको 10 मिनट्स रेस्ट करने रखेंगे, तब तक अपनी अच्छे से सूजी भी फूल जाएंगी और बैटर भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ उसको बंद कर दूंगी और 10 मिनट्स इसको ऐसे ही बंद करके छोड़ देंगे। अभी हमने यहाँ जो बैटर रखा था वो 10 मिनट हो गए रेस्ट कर दिया है, तो हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अभी वड़ा बनाने से, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वड़े बनाने से पहले ही बेकिंग सोडा या आप इनो कुछ भी डाल सकते हैं। सो जस्ट 1/4 pinch ऐसा मैं जस्ट बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और हम उसको। इससे क्या होता है श्वेता, इससे वड़े बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तब इनो भी डाल सकते हो, ये कुकिंग सोडा है, कुछ भी डाल सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप तलने वाले हो तभी आपका गर्म हो जाए तभी आप बेकिंग सोडा डालें और मिक्स करें। हमने साइड में देखिए यहाँ पे तेल भी गर्म कर लिया है एंड ये देखिए अभी हमारा बैटर रेडी है। एंड कंसिस्टेंसी श्वेता यही होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए, थिक कंसिस्टेंसी। देखिए ऐसे सो आप चम्मच से या हाथ से जिससे भी आप बनाना चाहें उससे वड़े बना सकते हैं। यस। यहाँ देखिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, तभी मैं वड़ा बनाऊंगी। आप इस ये भी कोई भी साइज के वड़े बना सकते हो। ये देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं क्रिएटिविटी का तड़का चल रहा है और हम सूजी दही वड़े आपको दिखा रहे हैं। इंस्टेंट बनते हैं सूजी दही वड़े। जब भी आपका मन हो इन सर्दियों में खाने का या बारिश आ गई हो तो आप आराम से इसको बना सकते हैं और झटपट खा सकते हैं। इसको पकौड़े की तरह भी खा सकते हैं हम, सूजी के पकौड़े। राइट श्वेता, बहुत टेस्टी भी लगते हैं ये। और ये कौन सी फ्लेम पे हमें सेकना है? ये हमने मीडियम फ्लेम पे, जैसे एक बार एकदम ऑयल गरम हो जाए ना, हाँ, तब उसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए। ओके, सो ये मीडियम फ्लेम हमने कर दी है। क्रिएटिविटी का तड़का चल रहा है जायका का तड़का में। हम हमारे फेसबुक क्लोज्ड ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया में से मॉम से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि सूजी की उनको कौन कौन सी रेसिपीज देखनी है।
तो उसी के अंतराल में हमारी फर्स्ट रेसिपी हम लेके आए हैं। अगर आपको भी हमसे कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया को जरूर ज्वाइन करिए। वहां आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अपनी रेसिपीज भी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े ब्राउन होने आए हैं बड़े अपने, तो हम एक बार पलट देंगे इसको। तो पकौड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हाँ, अगर आपको दही नहीं डालना है तो पकौड़े के साथ भी ऐसे ही खा सकते हो। ये देखिए जस्ट अनदर फ्यू सेकंड्स, चाय के संग गर्मा गर्म पकौड़े भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो 2-in-1 रेसिपी है ये। सो अभी ये हम इसको सिकते रहने देंगे। हाँ, कितना टाइम लगता है श्वेता? जस्ट अनदर फ्यू सेकंड्स। देखिए ऑलमोस्ट होने आए अपने वड़े, देखिए जस्ट उसको ब्राउनिश होने हैं। देखिए ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी मैं यहाँ गैस बंद कर दूंगी। अब देखिए श्वेता इज इन एक्शन, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए शी इज शोइंग अस सूजी के दही वड़े। मैं इसको पहले यहाँ टिश्यू में निकाल दूंगी तो ऑलमोस्ट थोड़ा ऑयल निकल जाएगा। और दही वड़े में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको हम अभी पानी में डाल देंगे। नॉर्मल ल्यूकवॉर्म वाटर घर का, ऐसे ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है। सो मैं वड़े को अंदर डाल दूंगी। यू नो व्हाई दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट, उसमें क्या होता है जब ये सोक होते हैं वड़े सब ऑयल निकल जाता है, तो कम ऑयल बन जाते हैं उसके अंदर। तो हम इसको जरा दो ऐसे डुबा देंगे इसको। ये देखिए जस्ट विल कीप फॉर फ्यू सेकेंड्स और फिर उसको निकाल देंगे। अभी देखिए अपने वड़े एकदम ऑलमोस्ट सॉफ्ट। अभी इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे पानी निकाल देंगे इधर। ये देख, आप देख सकते हैं कि वो ऑयल थोड़ा रिलीज कर दिया है। इसमें बहुत जरूरी बात जो मैं ध्यान रख रही है कि बैटर की कंसिस्टेंसी जैसी हमने दिखाई थी आपको वैसे ही रखनी है। अगर आपका बैटर पतला हो जाएगा तो वड़े बिखरने लग जाएंगे, तो मेक श्योर कि आपका बैटर की कंसिस्टेंसी इसमें बिल्कुल राइट हो। सो अभी हम इसको अभी अपने दही वड़े की तैयारी कर देंगे इसके अंदर। सो वेरी इंपॉर्टेंट कर्ड, ये मैंने कर्ड को अच्छे से फेंट लिया है, घर का कर्ड उसको फेंट लिया है, तो उसको पहले कर्ड डालेंगे इसके ऊपर। फिर यहां हमारी पहले चटनी, ये हरी चटनी है, ग्रीन चटनी, हरी चटनी विद द सीक्रेट इंग्रेडिएंट है श्वेता जी, जो कि जिसका वीडियो हम कमेंट में भी पोस्ट कर देंगे, आप रेसिपी देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर की भी हरी चटनी डाल सकते हैं। ये स्वीट चटनी है, टैमरिंड और टैमरिंड की चटनी, स्वीट चटनी, टैमरिंड एंड गुड स्वीट चटनी। इमली की कोई सी इमली भी, कोई भी चटनी आप यूज कर सकते हैं। और अगर इमली की चटनी नहीं है तो टोमेटो सॉस यूज कर सकते हैं। यस, सो ये सब चटनियां अच्छे से डालेंगे। फिर हमें यहाँ चाट मसाला डालेंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। श्वेता ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है। एंड दिस इज रोस्टेड जीरा, भुना हुआ जीरा, वो भी थोड़ा पाउडर या। और सबसे लास्ट उसके ऊपर हम धनिया पत्ता डालेंगे। अब कौन बोल सकता है कि ये सूजी के दही वड़े हैं, हेल्दी वे हमने सूजी से बनाए हैं, तो आप जितने मन चाहे उतने खा सकते हैं। देखिए आराम से झटपट जल्दी बनते हैं, आप फटाफट इसको बना के खा सकते हैं। क्रिएटिविटी का तड़का में श्वेता ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। सो थैंक यू सो मच श्वेता। सो सूजी से ये पहली रेसिपी तैयार है, हम ऐसे ही 3 और रेसिपीज लेके आ रहे हैं आपको। ये रेसिपीज की रिक्वेस्ट करी थी मॉम्स ने हमसे हमारे फेसबुक ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया में। सो चित्रलेखा सेंगर जी एंड शिवरानी गुप्ता जी, दोनों मॉम्स को थैंक यू कि आपने इतनी शानदार रेसिपी रिक्वेस्ट करी और आज सबको देखने को मिला। अगर आपको भी कोई रिक्वेस्ट है या हमारे संग आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन पूछना है, तो हमारा फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया ज्वाइन करना ना भूले। सूजी के दही बड़े इंस्टेंट रेडी है, आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अब मिलेंगे दोबारा। बाय बाय।